जनरल डायर बनने की कोशिश ना करें, ये लोकतंत्र है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फेस टू फेस, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। जब भी सत्ता में कोई दल होता है तो विपक्ष में भी कोई ना कोई दल बैठता है। जनता के प्रति जितनी जवाबदेही सरकार की होती है उतनी ही विपक्ष की भी है, लेकिन मौजूदा वक्त में सियासत का रंग बेरंग होता दिखाई दे रहा है। विपक्ष की भूमिका, विपक्षी नेताओं के कैसे कैसे बोल आ रहे हैं, बेतुके बयानों के बेअंदाज सियासत सबको समझ आ रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ में सीएए एनआरसी को लेकर उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। यहां प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों को आग के हवाले किया और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया। इस तरह से प्रदर्शन करने और आपराधिक छवि वाले लोगों पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी को भी हिंसा की इजाजत प्रदेश में नहीं है। जो प्रदेश को और प्रदेश के लोगों को नुकसान पहुंचाएगा वो अंजाम के लिए तैयार रहे। इस पर अब कैसे कैसे विपक्षियों के बयान आ रहे हैं उस पर आमना सामना होने वाला। फेस टू फेस में आज देवेंद्र प्रमुख बीजेपी से, अजय अरोड़ा जी कांग्रेस से, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप बयानों के जरिए, तर्कों के जरिए आमना सामना करें एक दूसरे का, उससे पहले खबर देख लीजिए रिपोर्ट के जरिए। योगी आदित्यनाथ जी का बयान कि मरने के लिए आएंगे तो जिंदा कैसे जाएंगे, बड़ा शर्मनाक है। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि अपने राज्य के सभी लोगों को समान न्याय दे, लेकिन जिस तरह से बयान दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोगों का प्रोटेस्ट करना अधिकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने लगातार गोलियां चलाई और योगी जी कह रहे हैं कि मरने के लिए आए थे। क्या संदेश देना चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन होगा तो गोली से उड़ा देंगे? हमें लगता है कि जनरल डायर बनने की कोशिश ना करें, ये लोकतंत्र है। बेतुके बयान देने के मामले में नेताजी किस हद तक जा सकते हैं? किसी नेता के बयान पर पलटवार करना हो, सियासी गलियारे में सुर्खियां बटोरना हो, आज के नेताजी का बस यही एकमात्र मकसद बचा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर काफी सख्त हैं और इसकी गवाही आंकड़े भी दे रहे हैं। पिछली सरकारों के मुकाबले संगठित अपराध की कमर तोड़ दी योगी आदित्यनाथ ने। बड़े बड़े अपराधी जो खुलेआम घुमा करते थे, अपराध को अंजाम दिया करते थे, वो या तो सलाखों के पीछे हैं या फिर एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। लेकिन जब ऐसे अराजक तत्वों को मुखिया योगी आदित्यनाथ ने चेताया तो विपक्षी पार्टियों को ये रास नहीं आया। योगी के बयान पर बोलते हुए एनसीपी वाले नवाब साहब ने बेतुका बयान दे डाला, कह दिया कि जनरल डायर बनने की कोशिश ना करें। पहले सुनिए क्या कहा नवाब साहब ने। योगी आदित्यनाथ जी का बयान कि मरने के लिए आएंगे तो जिंदा कैसे जाएंगे, बड़ा शर्मनाक है। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि अपने राज्य के सभी लोगों को समान न्याय दे, लेकिन जिस तरह से बयान दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोगों का प्रोटेस्ट करना अधिकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने लगातार गोलियां चलाई और योगी जी कह रहे हैं कि मरने के लिए आए थे। क्या संदेश देना चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन होगा तो गोली से उड़ा देंगे? हमें लगता है कि जनरल डायर बनने की कोशिश ना करें, ये लोकतंत्र है। नहीं, एक आतंकवादी भाषा है उनका, और ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस तो नहीं मरी और ज़्यादातर सारे एक ही तरफ के लोग मरे हैं, मुस्लिम समाज के मरे हैं, उनको मारा गया है और ये उनकी आतंकवादी गतिविधियां हैं। और ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है कि मुख्यमंत्री गली मोहल्ले जैसे जो वो होते दबंग होते हैं उनकी भाषा, तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। और पुलिस ने मारा है और पुलिस ने तो प्राइवेट हथियार का भी इस्तेमाल किया है। इधर नवाब साहब को बीजेपी बता रही है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार का अपमान सिर्फ वोट बैंक के लिए ना करें। इन चीजों को पुष्ट करता है कि किसी वर्ग विशेष को खुश करने, एक वोट बैंक अपने लिए क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं, पर इस हद में वो मर्यादा को बहुत लांग रहे हैं। और जनरल डायर से योगी आदित्यनाथ की तुलना करके वो एक निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार जिसका प्रचंड बहुमत है उत्तर प्रदेश में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का अपमान स्वरूप भाषा का प्रयोग करें। मुझे लगता है कि इन लोगों को अपने अंदर झांकना चाहिए। नेताजी शायद ये जानते हैं कि अपने को चमकाना है तो बेतुका बयान देना है, वो भी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर
यहाँ योगी सिर्फ एक प्रदेश के मुखिया नहीं है, उनका ताल्लुक गोरखनाथ मठ से भी है। करोड़ों की आस्था का केंद्र भी है योगी। शायद जनरल डायर की बात करने वाले नवाब मलिक जलियांवाला नरसंहार के बारे में नहीं जानते, जानते होते तो इस तरह का बेतुका बयान कतई नहीं देते। यहाँ ये भी जान लीजिए अराजक तत्वों, आपराधिक छवि रखने वाले लोगों को कैसे मुखिया ने चेतावनी दी। 19 दिसंबर 2019 महोदय, हम लोगों ने पहले से ही इस बारे में स्पष्ट किया है कि लोकतांत्रिक तरीके से होने वाले किसी भी आंदोलन को हम समर्थन देंगे, उसको पूरी स्वतंत्रता देंगे, पूरी सुरक्षा देंगे, लेकिन लोकतंत्र की आड़ लेकर के अगर कोई कानून की ध्वजियां उड़ाएगा, निर्दोष लोगों पर हमला करेगा, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, या फिर वह व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लूटपाट और आगजनी की घटना को अंजाम देगा, तो फिर वह जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसको समझाएंगे। बहरहाल उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अक्सर मुद्दा बना रहता है, चाहे सरकार किसी की क्यों ना हो, लेकिन जब सूबे की कमान गोरक्षनाथ मठ के मठाधीश को सौंपी गई तो योगी ने शुरुआत में ही अपराधियों को संकेत दे डाला और आज भी बचे कुचे अपराधियों को चेता रहे हैं, सुधर जाओ, वक्त है अभी भी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो विपक्षी नेताओं के ये कैसे बोल, मान मर्यादाएं सब तार तार कर रहे हैं विपक्षी, ऐसा लगता है। देवेंद्र प्रमुख बीजेपी से, अजय अरोड़ा जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आमना सामना करने के लिए तैयार। अजय अरोड़ा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, एनसीपी के नवाब साहब बोले और इधर उदित राज ने भी सुर में सुर मिलाया, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ? पंकज जी, आज अच्छा होता आदित्य योगी नाथ जी बोलते, क्योंकि ये महागुरु भी हैं गोरखपुर से, ये बोलते, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई, ये बात करते जो महात्मा की बात होती है, जो योगी की बात होती है, इसे बोलते हैं योगी, इसे बोलते हैं महात्मा। ये महात्मा की भाषा नहीं है। पहली बार हिंदुस्तान में मैंने पहला ऐसा योगी, ऐसा महात्मा, ऐसा विद्वान, ऐसे मठ का अध्यक्ष पहली बार देखा है कि जिसके पास, जैसे मेरे पास ड्राइविंग का लाइसेंस है, प्रमुख जी के पास बंदूक का लाइसेंस हो सकता है, आप पे चैनल का लाइसेंस हो सकता है, किसी दुकानदार को दुकान का लाइसेंस हो सकता है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें गाली देने का, इनकी जो जीवा है, जिस प्रकार से इनको लाइसेंस दिया है, किसी को कुछ भी कह देते हैं, जिस प्रकार दिल्ली में आए, दिल्ली में क्या क्या बयान इन्होंने बोले, आपने जो बात की दो नेताओं की, सीधी सीधी बात पंकज जी, जिस तरह से आप रबड़ की बॉल को दीवार पे मारोगे तेजी से, उतनी तेजी से पलट के आपके वापिस आएगी, यही हुआ है, यही हुआ है। जैसी बोलोगे, जो बोगे वो पाओगे, उन्हें अपनी जीवा पे बिल्कुल अंकुश लगाना चाहिए। आप महात्मा हो, आप ज्ञान की बात करो, आप मोहब्बत की बात करो, आप मारने की बात कर रहे हो, आप गोली की बात कर रहे हो, और ये बोलते हो कि पुलिस की गोली से नहीं मरे, तो किसकी गोली से मरे जी, बताएं योगीनाथ जी किसकी गोली से मरे? इस तरह के बयान एक नगर के, एक राज्य के मुख्यमंत्री के नहीं होने चाहिए। उनको दो दो, उनको दो दो लाभ हैं, उनको दो दो पद है उनके पास, एक तो मुख्यमंत्री हैं, एक गोरखपुर के मठ के महात्मा भी हैं, दो दो, इतने बुद्धिमान आदमी, इतने छोटे शब्दों का प्रयोग तो देवेंद्र जी आपके कर सकते हैं, वो जवाब दे रहे हैं आपको, सुनिए। देखिए, मैं इसमें पंकज जी जिक्र करना चाहूँगा कि अजय जी ने अच्छी अच्छी बातें उठाई हैं, बयान पर जिक्र किया है कि कौन सा बयान कहाँ आया है, और वो बोलना भी चाहिए कि बयान के हिसाब से ही अगर जवाब दिया जाए तो ठीक है, लेकिन आज जो बयान दे रहे हैं, जो दिया नवाब साहब ने दिया है या दूसरे हमारे लीडर ने दिया है, वो भी आजकल जो है कांग्रेस के भक्त बन गए, पहले तो उन्होंने बहुत दिखाई थी भक्ति, वो भी थे हम लोगों के साथ, इसलिए क्या वर्ड उनके लिए यूज किया जाए, जैसी जिसकी मनसा है उन्होंने बता दिया, वैसा उनको सुनना है। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, वो किसी के लिए पर्सनल या अपने लिए कोई बयान कभी ना देते ना दिया, उन्होंने हमेशा राष्ट्र हित में
और राष्ट्र के लिए जब बयान दिया, जब बात आई थी एक भी बयान देने के लिए, मरना या गिरना, हम आप सीए पर बात कर रहे हैं, हम एनआरसी पर बात कर रहे हैं, हम सीएबी पर बात कर रहे हैं, सब चीज़ पर हमने बात करने के लिए तैयार हैं। हमारा बड़ा दिल है, हम दो महीने से शाहीनबाग को झेल रहे हैं, सेंटर में हमारी सरकार है, उसके बाद भी जो है हम अगर हम एक महीने के अंदर अंदर कश्मीर को निपटा सकते हैं तो उस नीति को अपना कर ये शाहीनबाग हमारे सिर पर नहीं होता। ये इन लोगों को समझाने के लिए ही बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान इस तरीके से आता है, उसको तोड़ मरोड़ कर कुछ छचोरे टाइप नेता जिनकी कोई औकात नहीं, जिनकी कोई राजनीति में वैल्यू नहीं, इस तरीके के फ्रंट पर आते हैं और उसे शान का डिसीजन को और बयान को देकर चले जाते हैं। क्या है इसकी औकात? ये जो नवाब दे रहा है ये आतंकवादी है स्वयं। अरे ये आतंकवादी बॉम्बे में जितने हमले समले और आतंकवाद पला था, आतंकवाद की जड़ है इस देश में, बॉम्बे में जो आतंकवाद पला था, बॉम्बे में जो आज दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल रुका हुआ है, इन लोगों की मदद पर रुका हुआ है, ऐसे ही लोगों के रिश्तेदार हैं इन लोगों के, वो इनसे रिश्तेदारी निभाते निभाते आज ये योगी जैसे नेताओं को सामना करने की हिम्मत दिखा रहे हैं। इसी चीज को ठीक करने के लिए तो हम लोगों को फ्रंट पाना पड़ रहा है और डिसीजन करना पड़ रहा है, लेकिन लोकतंत्र की चिंता है हमें, इस वजह से ही हम जो है लोकतंत्र को तोड़ना नहीं चाहते। यानी नवाब की क्या ताकत कि वो ऐसा बयान दे जाए? ये तो हम सिर्फ लोकतंत्र का सम्मान करते हुए, अगर योगी जी का एक इशारा हो जाए तो आज कई करोड़ लोग ऐसे हैं कि ये शाहीनबाग तो आप लाखों की हजारों की बात कर रहे हैं कि जो सड़कों पर एक मिनट में आकर शाहीनबाग को खत्म कर सकते हैं, लेकिन इन्हें चिंता नहीं है लोकतंत्र। उदित राज ने भी कहा है हमको, उदित राज ने भी कहा हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से बात रखते हैं और सहन करते हैं ऐसे लोगों को जो सहन करने लायक नहीं है, लेकिन इस नवाब के बयान का कटाक्ष करते हैं और इसकी औकात बताते हैं। हम चैनल के माध्यम से कहते हैं कि आतंकवादियों का रक्षक है, ये आतंकवादी पालने वाले बॉम्बे के वो लोग हैं जिन्होंने बॉम्बे की कमर तोड़ी। अजय अरोड़ा जी काउंटर कीजिए। 1911 इनको याद होगा, इन्हें पता नहीं कहां से कहां तक तार जुड़े हुए थे, आज इनकी औकात हो रही है ये योगी जी पर बयान देने के लिए आगे। अरे सहम आनी चाहिए ऐसे लोगों को। उदित राज जगह में क्या कहेंगे? इनका कश्मीर का फ्रंट हमने बंद कर दिया, जब इनका कश्मीर में फ्रंट बंद हो गया तो ये दिल्ली को फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने बयान बिल्कुल सोच समझ कर सुधर तरीके से दिया है, जिसका सीधा मतलब है जो देश को तोड़ेगा, जो लोकतंत्र को तोड़ेगा, जो आम जन का नुकसान करेगा, जो आम जन को हत्या करेगा, जो पुलिस की आंख फोड़ेगा, जो पुलिस पे गोली चलाएगा, बयान इस तरह का होना चाहिए। देवेंद्र प्रमुख जी ने साफ तौर पर कहा सही किया है उदित राज को लेकर, हालांकि वो अभी बस्ते नजर आ रहे हैं। अगर उदित राज का बयान भी उन्होंने टीवी टेलीविजन स्क्रीन पर देखा है तो उन्होंने भी आतंकी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है कि भाषा मुख्यमंत्री की आतंकियों की जैसी भाषा है। यही वही उदित राज है जो बीजेपी में भी इस तरह के बयान देते थे और देवेंद्र प्रमुख जैसे लोग का बीजेपी के नेता प्रवक्ता बचाव करते फिरते थे। अरोड़ा जी, प्रमुख जी ने बात रखी, इन्होंने उदित जी के लिए बोला है, मैं तो इनसे ये कहूँगा हमें उदास भी होना है अपनों से बड़े प्रेम से, क्योंकि इन्होंने खुद स्वीकार किया पहले इनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया। हम तो आज भी और एक इनको वहाँ पे रास नहीं आया, उनका दम घुटा कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, तो इधर आ गए। तो जहाँ तक क्रोध की बात की, जहाँ नवाब साहब के बयान की बात की, जिस प्रकार से देखिए जब भी किसी महात्मा का प्रवचन होता है उसे फॉलोअप करते हैं हम, चाहे राम कथा हो चाहे कोई कथा हो। अरे राम कथा से तुलना नहीं हो सकती। जिस देखिए एक आप जो आतंकवादी को यार राम कथा से तुलना कैसे कर दोगे? क्या है उसकी औकात? मैं उस पर कह रहा हूँ जांच का, वो उसके खिलाफ खुद जांचे हैं बॉम्बे में, आप उसकी जांच कराइए। जिस प्रकार ये महाराष्ट्र सरकार का काम है, जिस प्रकार जो आदमी जिससे तुलना कर रहे हो, महात्मा योगी आदित्यनाथ जो है वो महंत रहे हैं और महंत के साथ साथ वो बेदाग छवि के वो लीडर भी रहे हैं, जिन पर आज तक कोई भी जो महंत मरवाता है क्या महंत काम करते हैं? आप लोगों के कहने से कुछ महंत बचाते हैं? अरे महंत तो हनुमान जी भी थे, महंत तो हनुमान जी भी थे, राक्षस के सर्वनाश कर राक्षसों के धर्म पे आ गए, महंत तो वो भी थे, आप कैसे तुलना कर दोगे एक आतंकवादी? अच्छा घबराए क्यों पड़े हो? नहीं नहीं योगी जी के प्यार से घबराए क्यों? अच्छा बताओ, हम स्पष्ट कर रहे हैं आपकी, नहीं नहीं हम क्लियर बता रहे हैं, योगी जी के योगी जी के लिए नहीं, माफी मांग लो योगी जी तरफ से, योगी जी गलत कर नहीं सकते, योगी जी गलत बोल नहीं सकते, और मोदी जी भी साथ साथ वही काम करते हैं कि जो दोनों मिलके गलत बोलते हैं, जो योगी जी बोलते हैं वो मोदी जी दोनों गलत बोलते हैं, बिल्कुल अच्छा बोलते हैं, आपने खुद बोला स्वस्थ बोलते हैं, साफ बोलते हैं, और बिल्कुल कह रहा हूँ साफ साफ बोलते हैं, स्वयं बोलते हैं, किसी का बोला नहीं बोलते, किसी का पढ़ा हुआ नहीं पढ़ाते। कुछ नेता आप लोगों के भाषण लेते हैं लिखवा कर और पढ़ते हैं और उसमें चूक कर जाते हैं, उन्हें कलावे की जगह टोपी याद आ जाती है,
कई बार मंदिर में धोखा खाते हैं, दूसरी बार मैं बोलना चाहूंगा पंकज जी, मैं कहना चाहता हूं आपको याद दिलाना चाहता हूं अजय अरोड़ा जी, मैंने तो आप ही से सवाल किया था, मैंने तो आप ही से सवाल किया था, सुने मैं जवाब देता हूं। वो तुलना नहीं करनी चाहिए, वो तुलना नहीं होनी चाहिए। आप शीतल हो जाएं, इतना क्रोध करो नुकसान देता है, योगी जी को बोलना चाहिए था। वो महात्मा बोलते हैं क्रोध विनाश करता है, अहंकार विनाश करता है, दोनों चीजें आपके अंदर है, दोनों फॉलो कर रहे हो। दोस्ता वो जज्बा क्रोध विनाश करता है। अभी आपने बोला नहीं, नहीं अभी आपने बोला, अगर आपने बोला कि योगी जी अगर कह दें तो नवाब की क्या औकात है, इसकी एक सेकंड नवाब की क्या औकात है, आपने कहा नवाब की औकात क्या है, उसे मार देंगे। नवाब जैसे आदमी स्वयं जांच कर रहे हैं, आप कानून हाथ में लेंगे, आतंकवादी सम्मिलित हैं, आप कानून हाथ में लेंगे, सम्मिलित हैं, आप मारेंगे नवाब जी को, योगी जैसे लीडर को आप किसी नेता को मारेंगे, यही तो लोकतंत्र की कमजोरी बना दी आप लोगों ने, किसी नेता को मारेंगे, आप सुनने नहीं चाह रहे, क्लियर करना मैं बोलूंगा ही नहीं, क्या औकात है उसकी मैं बोलूंगा ही नहीं, कैसे बोल सकता मैं बोलूंगा ही नहीं, वो बोल कैसे, आप सुनने नहीं चाहते, सुनना मैं चाह रहा हूँ। दो मिनट चुप हो जाए, पास कौन सी ऐसी ताकत है, आप थक गए, वो कैसे योगी जी के खिलाफ बोल सकता है, आप थोड़ा ब्रेक ले लो, नहीं है ब्रेक ले लो, वो ब्रेक बोल रहा है, ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लो, आप अच्छे प्रवक्ता हो, उसकी भाषा में नहीं, उसको अच्छे प्रवक्ता को ब्रेक लेना चाहिए, आगे बोलने के तैयार हो जाओगे आप। मैंने कहा, आपने कहा, बड़ी शांति से सुनना, बीच में नहीं बोलना, ठीक है सुनाइए। आपने बोला कि योगी जी अगर आज कह दें तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक ये कहा आपने, क्या आप कानून हाथ में लेंगे, मेरा पहला सवाल, आपको कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है और ना योगी जी को यह कहना चाहिए, इतने अच्छे पद में, मैं उनकी इज्जत करता हूं, कितने अच्छे महात्मा हैं, वो विद्वान की बात करें और वो के कानून हाथ में ले लें, देवेंद्र प्रमुख जी, योगी जी नहीं कह रहे, और कौन कह रहे हैं, स्वयं कहा, मैं कह रहा हूं इस बात को कि कानून हाथ में लोगे, मैंने नहीं कहा, नहीं आपने नहीं, कहा, मैंने कानून के लिए नहीं कहा, आपने बोला, मैंने ये कहा मेरी प्रेरणा है, मैं अभी कह रहा हूं, आपने प्रेरणा है, प्रेरणा योगी जी प्रेरणा है हमारे प्रदेश की, प्रेरणा है हमारे देश की, वो ऐसी जगह से निकले हुए हैं जिनको सारा देश और पूरा सनातन धर्म नमन करता है। आपको बहुत बहुत नमन, हम आपको नमन करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से भाषा का प्रयोग हुआ आज विधानसभा के अंदर कल, तो मुझे लगा कि मैं उत्तर प्रदेश, भाषा गलत नहीं थी अजय, एक सेकंड, वो भाषा आप निकाल कर देख लीजिए, देवेंद्र प्रमुख योगी जी ने साफ कहा है, देखिए आप उठा कर देख लीजिए, जो अराजकता फैलाएगा, जो संविधान को तोड़ेगा, जो पुलिस प्रशासन और मिलिट्री को निशाना बनाएगा, वो स्वयं गोली का हकदार है, आज मेरी खामोशी आम आदमी का, आप करोड़ उम्र आज मेरी खामोशी बहुत कुछ बोल रही है, सब लोग देख रहे होंगे अजय अरोड़ा खामोश क्यों है, मेरी खामोशी में छुपा पड़ा है, मेरी खामोशी में दर्द है, हिंदुस्तान के महात्मा की ऐसी भाषा। अभी सवेरे मेरी माता जी कह रही थी मैं सत्संग पे जा रही हूँ, रामकथा पे, फलानी कथा पे, मैं क्या माता जी बिल्कुल नहीं जाओगे, किस प्रकार के योगी हैं, किस प्रकार के योगी हैं, गोरखपुर के योगी किस प्रकार के, मैं कहा मां नहीं तुम सत्संग पे नहीं जाओगी, ऐसे योगी के बयान सुनते हो, अरे आप नवाब का ऐसे योगी को नहीं सुन, जो आतंकवाद से संबंधित नहीं सुन रहा है, ऐसे योगी चर्चा कर रहे करते हैं, उस पर क्यों योगी करते हैं आप लोग, गलत है आप लोग, क्योंकि मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि आप उस एमएलए के बयान का, जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसका कोई मामला नहीं है, एक छोटे से दल से छोटा सा नेता और सर्वोपरि जिसकी दुनिया में गिनती है, उसको सीधा नशाना और वो भी झूठ के तौर पर नहीं बना सकता अजय जी, मैं इसको कल बिल्कुल क्लियर करके आपको बोल रहा हूँ कि उसके पास कोई ऐसा सबूत नहीं, कोई ऐसी भाषा नहीं। अजय अरोड़ा जी, एक सवाल मेरा भी है, मिक्स कर लीजिएगा, ड्रामा किया, एक सवाल मेरा भी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को सिर्फ आप एक चश्मे से देख रहे हैं, कर लो, अब मेरी बारी, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं योगी आदित्यनाथ, आपने योगी का जिक्र किया तो दूसरे चश्मे से देख लीजिए, अच्छा लगता, एक मिनट पंकज, एक सेकंड, 30 सेकंड में, अच्छा लगता कल योगी जी कहते कि हमारे विधायक ने, जिस बच्ची ने, अभी इतने सालों बाद 2017 केस चल रहा है, कल उनके भतीजे सब बलात्कार के केस से बंद हुए, वो कहते, अरे योगी आपका बोलते हो, अगर आप इतने बढ़िया थे तो शशि थरूर आपका विदेश जाना चाह रहा है, वो एक ऐसी महिला की हत्यारा है
इसने ऐसी निर्दोष महिला की हत्या की है कि जिसने उसको खड़ा किया, जिसने उसको बिजनेस दिया, जिसने उसको संपन्न किया, उसकी हत्या कराकर, उसकी हत्या कराकर आज तुम बात उठा रहे हो हमारे एमएलए पर। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि आपके वो बड़ बड़े लीडर है, वो दूसरे तीसरे नंबर के लीडर है जिनका आपके पार्टी के और कुलदीप सेंगर कुलदीप सेंगर के पार्टी के हो आप बलात्कारी सरकार के आदमी हो, आपकी सरकार बलात्कारी, आपके विधायक बलात्कारी, आपके विधायक बलात्कारी है, आपके बलात्कारी विधायक हत्या का दोषी है, किस दोषी किस योगी की बात करते हो, क्या आपकी सरकार योगी नहीं, क्या आपकी पार्टी इसमें कोई और दूसरी पार्टी बोलना चाहती है, क्या महिलाएं कहीं अजय अरोड़ा जी, चलिए ठीक है, ठीक है देवेंद्र जी, देवेंद्र जी एक सवाल ले लीजिए, ठीक है ओके ओके। और वो एक अजय अरोड़ा जी और अच्छी बहुत ही अजय अरोड़ा जी जिसकी ठीक है देवेंद्र जी ओके ओके नहीं छोड़ा आपकी सरकार ने, देवेंद्र जी ठीक है ठीक है ठीक है ओके क्लियर करना ओके हाँ ठीक ठीक ठीक। अजय अजय अरोड़ा जी एक बात का जवाब दे दीजिएगा अपनी तरफ, देवेंद्र जी, देवेंद्र जी हाँ हो गया, अरोड़ा जी एक बात का जवाब दे दीजिएगा, ऐसे अराजक तत्व आपराधिक छवि वाले लोगों के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए? मैं बताऊं सीधी सीधी पंकज जी, जो भी गलत भाषा का प्रयोग करे, मैं नहीं, आप महंत के तौर पर देखिए, एक प्रदेश के मुखिया भी हैं, उस तौर पर भी देख रहा हूं, क्योंकि आपने कहा योगी जी ना उत्तर प्रदेश में आए हो, कल को मुझे बीजेपी ना पिटवा दे, मैं डरता हूं कल मेरी पिटाई ना हो जाए यहां पे, क्योंकि उनका चल रही है, उन्होंने कहा जो आएगा मर के जाएगा, हम डरते हैं भैया, हम डर मानते हैं भाई साहब, कल को बोले कांग्रेस के नेता को मार दो, इसके सेवक को मार दो, हमें डर लगता है भैया आपसे। अगर आप एक बार भी बोलते कि वो नवाब गलत बोला है, क्योंकि उसकी कोई औकात नहीं है कि इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस तरीके से बोल सके, आपने आप बोल रहे हैं हमें कोई भी कदम नहीं, आप बोल सकते हैं प्रमुख जी, लेकिन जो गलत बोल रहा है आपका मैं हृदय से सम्मान करता हूँ, क्या योगी जी ने जो बोला, मैं नवाब मलिक पे आऊंगा, क्या वो भाषा ठीक थी? और आपसे बिना क्रोध के, बिना बड़ी मोहब्बत से बात करना, मोहब्बत दोगे तो मोहब्बत लोगे। एक मिनट सुन लो बस, आप वो बाइट निकलवा लो, मैं कहता हूं कि आप जो है पंकज जी से बाइट निकलवा के निकलवा दो, मैं तैयार हूं, और उसमें ये देख लो कि योगी जी ने किसका नाम लिया है, किसको किया है, किस तरीके की बाइट है वो, अगर वो कहीं भी लोकतंत्र में नुकसान की बाइट होती हो तो उसे हम सुनने के लिए तैयार है और उस पर हम जवाब देंगे, लेकिन ये कुछ नहीं है बाइट कर उसका मत छोड़ो, आप बयान की बात करो तो आप हमेशा पाकिस्तान के फेवर में बयान देते आए हो, जवानों के फेवर में बयान देते आए हो, जवानों का आप विरोध में जाके कहते हो कि पेड़ गिर गए हैं, वहां कोई नहीं मरा है, आप जो है उसको भी गलत साबित करते हो, समझिए ना, नहीं नहीं जवाब क्या दे रहे हो, नहीं नहीं डिबेट इस बात पे है, डिबेट अजय अरोड़ा जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्लीज, डिबेट का समय कम है, पाकिस्तान देवेंद्र जी पूरा समय आपको दिया, कहते हैं कि वहां पेड़ गिराया है, नहीं ठीक है ना, मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए, अपराधियों के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, क्या सत्ता से अपराधियों की छवि बदल जाएगी, अपराध करना बंद कर देंगे, अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है, कुछ मजबूरियां होती है, लेकिन ये बयान जो मुख्यमंत्री को लेकर, और देवेंद्र जी आप भी जिस तरीके से उदित राज ने बयान दिया, यानी कि आप जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या उदित राज ने सही कहा है? देखिए मैं दो बयानों को लेकर बैठा हूं, सिर्फ इसमें मलिक साहब ही नहीं है, इसमें उदित राज भी हैं, देखिए उदित राज इनके भाई, इनके भाई हैं, सुनो इनके सिवा और भी कोई हो सकता है, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, मैंने कोई मलिक को भी गलत नहीं कहा, मलिक की जैसी भाषा थी मैंने उस तरीके से बोला, उदित राज ने जो है घुमा के बयान दिया है, उदित से खुश है, उदित राज की बात ठीक है, उसने उदित राज की बात ठीक है, नहीं नहीं आप खुश हैं, सुनो उदित राज की बात से खुश है, उदित राज की बात के खुश नहीं है, उदित राज का जवाब करते हैं कैसे दे रहा हूं मुझे जी, उदित राज ने सीधा एंट नहीं किया, उसने सिर्फ एक बयान दिया कि आतंकवाद जैसी, ये कहना करना, और वो बोल रहा है कि सीधा, तो कितना फर्क हो गया, उदित राज का बयान गलत है, उदित राज का बयान मन जानता है, नवाब मलिक कैसे बोलते हैं आप, अरे अरे साधुवाद नहीं, फिर क्या देते, साधुवाद नहीं, उसको उसी की जवाब में भाषा में जवाब दिया जाता, तो चलो बयान दिया, अगर वो घुमा के बयान देते घुमा के आप साधुवाद देते, नहीं अगर वो ऐसे उदित जी को साधुवाद दे रहे हो आप, नहीं मैं साधुवाद नहीं, मैं समय समाप्त हुआ सर, समय समाप्त हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी आपका भी, अजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तो देश की सियासत में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ही, अक्सर सवाल उठता है कि अगर नेताजी इस तरह के बयान देंगे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो समाज पर जनता पर किस तरह का असर उसका पड़ेगा, एक मुख्यमंत्री के खिलाफ
इस देश ने प्रधानमंत्री के खिलाफ भी ऐसे अभद्र बयान देखे हैं, मुख्यमंत्रियों के खिलाफ भी देखे हैं, लगाम लगती हुई दिख नहीं रही है ऐसे बयानों को लेकर। फेस टू फेस में आज इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए R9 TV, सिर्फ खबर के लिए। जनरल डायर बनने की कोशिश ना करें, ये लोकतंत्र है।